लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी का बड़ा फैसला। अदालत ने बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत का चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को ट्रैफिक रूल्स पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, अपडेट कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने ट्रैफिक रूल्स पर मनोवन अमल करने का हुक्म दे दिया है और चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को ये भी अहकाम जारी किए गए हैं कि मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट के चलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ अदालत ने ये भी अहकाम जारी किए हैं कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के जिस तरह से ट्रैफिक लाइसेंस जारी हो रहे हैं उसका तरीकाकार भी अदालत में पेश किया जाए, जबकि इसके साथ साथ अदालत ने ट्रैफिक रूल पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी करते हुए आज सुबह 10 बजे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर से अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने ये भी कहा है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मेरिट पर जारी किए जाए, किसी की सिफारिश ना सुनी जाए और जो रूल्स हैं उनको मद्देनजर रखा जाए। ताहम अदालत में चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अदालत को अपने दलाइल से मुतमिन करने में नाकाम रहे, जिसके बाद 10 बजे चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से तहरीरी वजाहत तलब कर ली गई है। शुक्रिया मोहम्मद इशफाक आपका।